वेलकम टू माई YouTube चैनल सुमित जे। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ मीटर की फाइल को फीट और इंचेस में कैसे चेंज करते हैं ऑटो कैड में। सो गाइस, पहले मैं आपको मीटर की फाइल दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी थी। सो गाइस, देख सकते हैं आप, इसमें सारी डायमेंशंस मीटर में लिखी हुई हैं। तो गाइज, पहले मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करूँगा। न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं इसके यूनिट और डायमेंशन स्टाइल चेंज करूँगा। यूनिट चेंज करने के लिए मुझे UN टाइप करना होगा। UN टाइप करने के बाद मुझे इंटर प्रेस करना होगा, तो आपका यूनिट का बॉक्स खुल जाएगा। अब लेंथ में टाइप कीजिएगा, आपको आर्किटेक्चर करना होगा, प्रिसीजन को 0-0 करना होगा और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज छोड़ना होगा गाइस। तो अब यहाँ पे ओके करके मैं फिर डायमेंशन स्टाइल चेंज करने के लिए D टाइप करूँगा और इंटर करूँगा। तो आपको फिर मॉडिफाई में जाना होगा। मॉडिफाई में जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स में आपको यूनिट फॉर्मेट जो है वो आपको आर्किटेक्चर करना होगा, प्रिसीजन को 0-0 करना होगा और टेक्स्ट में जाके आपको टेक्स्ट टाइप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। सो मैं इसको 3 इंचेस देता हूँ और टेक्स्ट अलाइनमेंट को मैं अलाइनमेंट डायमेंशन देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ और सेट करेंट करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अब मुझे जो फाइल कॉल करानी है गाइस, तो मैं उस फाइल को कॉल कराता हूँ। कॉल कराने के लिए मैं आई इंटर करूँगा और आई टाइप करूँगा और इंटर करूँगा। तो गाइस, मेरी इंसर्ट की बॉक्स खुल जाएगी। सो आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ से ब्राउज करके मेरी जो फाइल है मीटर की, मैं उसको यहाँ से कॉल करा लेता हूँ और ओपन करूँगा। तो गाइस, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर एक्सप्लोड ऑप्शन पे अगर चेक ना हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरी ड्राइंग इसमें आ चुकी है। अब इसको विजिबल करने के लिए मैं Z Enter A Enter करता हूँ और गाइस, ये मेरी ड्राइंग विजिबल हो चुकी है और आप देख सकते हैं सारी मेरी मीटर की फाइल्स जो भी पहले थी वो फीट और इंचेस में चेंज होती है। तो गाइस, ये थी प्रोसेस जो मीटर से आप फीट में चेंज कर सकते हैं कोई भी ड्राइंग आपकी ऑटोकैड की। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ना किया हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब करिए।